हम लोग इस क्वेश्चन में बोला है कि वो लीस्ट नंबर फाइंड करो जब हम लोग इन सभी नंबरों से जब डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर दे रहा है हम लोग को, ये सारी रिमाइंडर दे रहा है रेस्पेक्टिवली करके, ठीक है। तो मान लेते हैं जो नंबर जिस नंबर में डिवाइड कर रहे हैं इन सभी नंबरों से वो क्या है, वो एक्स है, ठीक है। मान लेते हैं वो नंबर क्या है, एक्स है, लेकिन हम लोग को मालूम है कि डिवाइडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो हम लोग कोई भी नंबर मान लीजिए एक्स जिसमें हम लोग इससे डिवाइड कर रहे हैं, 20 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्वेश्चन दे रहा है पी, और रिमाइंडर दे रहा है कितना आ रहा है, रिमाइंडर 20 से डिवाइड करने पर कितना आ रहा है, 14। और दूसरे केस में क्या आ रहा है हम लोग का, 25 में जब डिवाइड करें तो मान लेते हैं क्वेश्चन दे रहा है बी और रिमाइंडर आ रहा है 19, और इससे होगा 35, मान लेते हैं एन, और ये हो गया 29, और ये हो गया 40 से डिवाइड करने पर हम लोग का दे रहा है 34, रिमाइंडर दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग का एक्स की वैल्यू फाइंड करने की, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए और वो कैसी होनी चाहिए, वो लिस्ट होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि इन सभी में से इसमें मुझे 20 बाहर चाहिए, 25 बाहर चाहिए, 35 बाहर चाहिए, 40 बाहर चाहिए, तो क्या करता हूँ मैं इन सभी में, मतलब कि इसमें अगर मैं 6 ऐड कर दूँ तो 20 हो जाएगा, तो 20 बाहर हो जाएगा, -6 कर देता हूँ, ठीक है, तो 20 बाहर आ जाएगा और -6 रह जाएगा। इसमें भी 6 अगर ऐड करता हूँ देखता हूँ 25 आ जा रहा है बाहर, और -6 कर दे रहा हूँ, इसमें +6 कर रहा हूँ, इसमें -6 कर रहा हूँ, इसमें +6 कर रहा हूँ, -6 कर रहा हूँ, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरा बन जाएगा, मेरा क्या एक्स की वैल्यू आएगी मेरी, एक्स एक्स आ जाएगा मेरा, मान लेते हैं ये जो -6 यहाँ पर आया है इन सब में, इसको मैं एक साइड लेके चला जाता हूँ एक्स साइड, किस में बदल जाएगा, +6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 20, ये 20 बन जाएगा, ये हम 20 है तो कॉमन हो जाएगा, तो 20p+1 हो जाएगा। उसी तरीके से ये भी x+6 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 25q+1 हो जाएगा मेरा, और ये हो जाएगा x+6, 35n+1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा x+6, 40m+1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, हम लोग को 20 बाहर लेना था, वो सारे के सारे नंबर 20 से डिवाइड होने वाले थे, ये मतलब जो भी एक्स को फाइंड करना है, तो इसलिए हम लोग 20 बाहर कॉमन लिए हैं। लेकिन हम लोग को ये सारे मतलब कि हम लोग को यहाँ पे कोई कांस्टेंट चाहिए था। अगर मान लीजिए अगर मैं 14 को इधर लेके चला जाता, इसको इधर लेके चला जाता, 29 को इधर लेके चला जाता, ये 34 को इधर लेके चला जाता, तो अगर मैं एक्स की वैल्यू फाइंड भी करने की कोशिश करता तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग आती, एक्स की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग आती। अभी आगे आगे पता चल जाएगा कि क्यों, ठीक है। तो मुझे एक्स की वैल्यू कैसी चाहिए, मुझको एक्स की वैल्यू कैसी चाहिए, लिस्ट चाहिए, एक्स की वैल्यू लिस्ट होनी चाहिए, और लिस्ट कब होगी ये देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाली बात है ये है कि ये डिवाइडेंट हो गया, ये डिवाइजर हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर 0 हर केस में, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 हो गया, ठीक। यानी कि 20 क्या कर रहा है, 20 भी x+6 को डिवाइड कर रहा है, 25 भी, 35 भी, और 40 भी, सारे के सारे नंबर डिवाइड कर रहे हैं सब इसको। यानी कि मुझे क्या पता चल रहा है कि मुझे एलसीएम फाइंड करना है, ये सब एक ही कॉमन नंबर को डिवाइड कर रहे हैं सर, यानी कि इनके पास कॉमन मल्टीपल है, यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल। वैसे जरूरी नहीं है कि लिस्ट ही हो यहाँ पर, वो हाईएस्ट भी हो सकता है, मतलब हाईएस्ट तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे लिस्ट में कुछ भी मल्टीप्लाई करते जाएं तो बड़ा होता जाएगा, लेकिन मुझे एक्स की वैल्यू लिस्ट चाहिए। तो लिस्ट कब होता है कोई चीज, मान लीजिए मैं इसका एलसीएम फाइंड करता हूँ, मैं अगर मैं इसका एलसीएम फाइंड करूंगा तो मेरा आएगा
एलसीएम फाइंड करता हूं मैं, अगर एलसीएम किसका 20 और 25 और 35 का 40 का, तो मेरा आएगा 1400। ठीक है, 1400 मेरा एलसीएम आएगा, निकाल के देख सकते हैं आप। तो मेरा एलसीएम इतना आ रहा है, ठीक, यानी कि 20 भी इसको डिवाइड कर रहा है, 25 भी इसको डिवाइड कर रहा है, 35 भी डिवाइड कर रहा है, 40 भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये x+6 भी तो मतलब 20 भी इसको डिवाइड कर रहा है, 25 भी इसको डिवाइड कर रहा है, ये सब डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि 1400 के बराबर ही होगा, या कि 1400 का कोई मल्टीपल होगा ये, है ना। यहाँ पे अगर x+6 1400 का कोई मल्टीपल हो सकता है या 1400 के बराबर होगा, तभी तो ये 25 भी इसको डिवाइड करेगा, ये सब डिवाइड करेंगे डिवाइजर्स। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल क्यों नहीं ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे मल्टीपल हम लोग क्यों नहीं लेंगे। अब एक बात सुनिए, मान लेते हैं यहाँ पे x+6 है, x+6 अगर ये 0 के बराबर है, अगर ये सबसे छोटा नंबर है, ठीक है, तो x की वैल्यू कैसी होगी, बहुत कम होगी, लीस्ट होगी। और अगर x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे दूसरे साइड में लेटेस्ट में मान लीजिए 10 रख देता हूँ, x+6=10, तो x की वैल्यू के साथ क्या होगा, x की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली क्या होगी, बढ़ जाएगी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, देखिए 4 हो जा रहा है यहाँ पर। तो उसी तरीके से अगर ये लीस्ट है, 1400 क्या है, लीस्ट है, तो x की वैल्यू कैसी होगी, लीस्ट होगी। तो हम लोग की x की कैसी वैल्यू चाहिए थी, x की वैल्यू लीस्ट चाहिए थी, तो क्या होगा, x=1400 -6 x=1394, यानी कि x वो सबसे छोटी वैल्यू है जिसको हम लोग अगर 20, 25 इन सभी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का रिमाइंडर ये सब आएगा रेस्पेक्टिवली करके। ये था इसके पीछे का लॉजिक।